संध्या, मेरी किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ गुलाब जामुन। उसके लिए मैंने लिया है मावा। ये मेरा घर पे निकाला हुआ मावा है। मैंने ये 500 ग्राम लिया है और 100 ग्राम मैंने लिया है पनीर, और 100 ग्राम ही मैंने लिया है मैदा, और कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं भ्रावन के लिए, और ये लिया है मैंने बेकिंग पाउडर, ये मेरा आधा चम्मच है, और चीनी लिया है मैंने 1 किलो। ये नाप करके मैंने पूरा मेजरमेंट लिया है। इस मेजरमेंट से हम अगर रसगुल्ले बनाते हैं तो बहुत अच्छे हमारे रसगुल्ले बनते हैं, गुलाब जामुन बनते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम चाशनी बना लेते हैं। उसके लिए मैंने कढ़ाई रख दी है और उसमें मैंने पानी डाल दिया है। यहाँ पर मैंने 1 किलो चीनी ली है, तो मैंने आधा किलो पानी यहाँ पर डाल दिया है, क्योंकि आधा किलो से रसगुल्ले बनेंगे तो फूलकर जस्ट डबल हो जाते हैं, तो हमें ज़्यादा ही चाशनी चाहिए होती है। तो अगर आप चाहे तो आप किसी कप से नाप कर भी इसको ले सकते हैं चीनी को। मैंने पूरी 1 किलो तोल करके ली है। तो फ्रेंड्स, पानी आप इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ही ले लें तो ठीक है, क्योंकि हमें चाशनी को थोड़ा गाढ़ा करना होता है। तो हम इसको पकने देते हैं, तब तक हम अपना डो तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं पनीर को कद्दूकस कर लेती हूँ। इसको ऐसे ही, जैसे हम सफ़ेद वाले रसगुल्ले बनाते हैं, हल्के हल्के हाथ से हम इसको ऐसे मैश कर लेंगे, ताकि इसमें दाने ना रहे। जब हम पनीर से गुलाब जामुन बनाते हैं तो बहुत ही सॉफ्ट हमारे गुलाब जामुन बनते हैं और टेस्टी भी लगते हैं बहुत ज़्यादा। तो हम इसको चीकना कर लेंगे अच्छे से, कम से कम 2-3 मिनट इसको ऐसे ही सॉफ्ट बनाएंगे, इसको ऐसे मल करके, मसल करके। और अब हम अपने मावे को भी इसी तरीके से सॉफ्ट कर लेते हैं। ये मेरा मावा है, इसमें से मैं थोड़ा सा मावा निकाल लेती हूँ, थोड़ा सा स्टफिंग में मैं डालूँगी। ये देखिए, 1-2 चम्मच मावा मैंने इसमें से निकाल लिया है, और इस मावे को भी हम सॉफ्ट कर लेते हैं। ये हमारा आधा किलो मावा है। अगर आपका मावा थोड़ा सा टाइट हो गया हो तो आप उसे कद्दूकस भी कर सकते हैं, या फ्रिज में रखा हुआ हो, टाइट हो गया हो, तो आप कद्दूकस करके उसको सही कर सकते हैं। बस इसमें ना दाने गुठलियाँ नहीं होने चाहिए, इसको हमें इतना सॉफ्ट करना है। मैंने भी ये 2-3 दिन पहले निकाला हुआ है, फ्रिज में ही रखा हुआ था। तो इस तरीके से हमारा मावा सॉफ्ट हो गया है। इसको भी मैंने 3 से 4 मिनट मसल लिया है। अब ये दोनों हम मिक्स कर लेते हैं। तो ये पनीर इसमें मिक्स हो चुका है और थोड़ा सा सॉफ्ट भी हो गया है। 3 से 4-5 मिनट मैंने इसको अच्छे से मसल लिया है। अब मैं इसमें मिलाती हूँ मैदा। मैदा मैं थोड़ा थोड़ा करके मिलाऊँगी। यहाँ पर मैंने 100 ग्राम मैदा लिया है। 1 किलो में 200 ग्राम मैदा, हलवाई बताते हैं कि 1 किलो में 200 ग्राम मैदा डल जाता है। अब हम इसको इस पोर्शन से मिक्स करेंगे। पहले अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मेरा ये जो बर्तन है ये थोड़ा छोटा पड़ गया है, आप इसको ऐसे करके मिक्स करेंगे। हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, और जो हमने बेकिंग पाउडर लिया है उसको भी हम इसमें ही मिक्स कर लेंगे। वैसे अगर घर का मावा होता है तो बेकिंग पाउडर डालने की ज़रूरत नहीं होती है, अच्छा मावा होता है। फिर भी मैं थोड़ा सा यूज कर रही हूँ। अगर बेकिंग सोडा डालना चाहते हैं तो आप 1 पिंच डाल सकते हैं उसमें, पर मैं बेकिंग सोडा नहीं डाल रही हूँ, हल्का सा बेकिंग पाउडर यूज कर रही हूँ। और यहाँ पे मेरे चाशनी पक रही है, तो मैं इसमें डाल देती हूँ थोड़ा सा इलायची पाउडर।
आधा चम्मच से थोड़ा कम मैंने इलायची पाउडर डाला है इसमें, और कुछ बूंदे नींबू की इसमें मैं डाल देती हूँ, या फिर आप थोड़ा सा दूध डाल सकते हैं, उससे चीनी में जो भी गंदगी होती है वो साफ़ हो जाती है। तो मैं थोड़ा सा दूध डाल देती हूँ, 2 से 3 चम्मच, और इसको हमको गाढ़ी होने तक पकाना है। बिल्कुल चाशनी नहीं बनानी है, पर चिपचिपी थोड़ी सी चाशनी हमारी होनी चाहिए। जब तक ये पकता है हम अपना डो तैयार कर लेते हैं। मैंने इसको अच्छे से 10 मिनट मसल लिया है, थोड़ा सा और मैं इसको कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, जितना चिकना यह आटा होगा ना, उतने ही अच्छे आपके रसगुल्ले बनेंगे। पर आप इसे बहुत टाइट हाथ से भी ना गूंथें, ये जो एरिया है इससे आप इस तरीके से मुलायम मुलायम हाथों से इसको बहुत ही अच्छे रसगुल्ले बनते हैं जब हम घर पे बनाते हैं। और आजकल तो आपको पता ही है बाज़ार में किस तरीके की चीज़ें आ रही हैं, मावा भी शुद्ध नहीं है और बहुत सारी चीज़ें नकली ही आ रही हैं। तो मेरे पास ना 2 चम्मच मैदा और बचा है, वो भी मैं इसमें मिक्स कर लेती हूँ, और मैं इसे 10-5 मिनट के लिए और कर लेती हूँ। कुल मिलाकर मुझे इसे 20 मिनट मसलना है। 20 मिनट तक इसी तरीके से इसका डो, 20 मिनट में ही इसका डो तैयार होता है। ये डो चिकना हो चुका है, चिकनाई भी हमारे हाथ पे आ गई है, और अब हमारा डो तैयार है। अब हम इसके गोली गोली गोले बना लेते हैं, छोटे बड़े जिस आकार के आप बनाना चाहते हैं आप उस आकार के बना सकते हैं। कर लेती हूँ ताकि मैं चाकू से इसको एक सार बराबर हिस्से में काट सकूँ। ये इस तरीके से गोले मैंने कर लिए हैं, और अब मैं ऐसे इनको बाइंड कर लूँगी। ये बहुत ही अच्छे बन करके तैयार है। इसी तरीके से आप बना लीजिए, बस ध्यान रहे कि इसमें क्रैक्स ना पड़े। आपका आटा इतना सॉफ्ट होना चाहिए कि जब आप अपने गोले बनाएं तो उसमें क्रैक्स नहीं दिखने चाहिए। चाशनी पक रही है, और देखना आप इसमें चारों तरफ ये मैल आ चुका है। ये दूध डालने से यही होता है, दूध या नींबू आप डालें तो जो चीनी की जो गंदगी होती है वो बाहर निकल जाती है। अब चीनी साफ़ हो चुकी है, पर अभी चाशनी थोड़ी पतली है, हमें थोड़ी गाढ़ी सी चाशनी बनानी है। मैं बिल्कुल हल्का सा इसमें कलर यूज कर रही हूँ, वैसे ऑप्शनल है ये, ज़रूरी नहीं है। एक चुटकी मैं इसमें डाल रही हूँ, थोड़ा सा कलर इसका सुंदर हो जाएगा। अगर आपके पास नहीं है तो ना डालें, ज़रूरी नहीं है। तो हम रसगुल्लों के पीसीज बना लेते हैं, गोलियाँ बना लेते हैं। तो ये मैंने ड्राई फ्रूट्स जो लिए थे ये मैं ले लेती हूँ, और पतले पतले काट कर लिया है मैंने इसमें, और ये थोड़ा सा चिरौंजी भी लिया है, और ये जो मावा हमने बचाया था ये भी इसमें मिक्स कर लेते हैं, और ये हमारे रसगुल्लों के अंदर भरने के लिए एक बैटर तैयार हो जाएगा। आप चाहे तो केसर भी इसमें मिला सकते हैं। या बिना मावे के भी ऐसे ही ड्राई फ्रूट्स इसमें आप रख सकते हैं। थोड़ा सा इलायची पाउडर भी मैं इसमें मिला रही हूँ, ये इलायची पाउडर मैंने इसमें डाल दिया है 2 चुटकी, और ये मिक्स तैयार हो गया है। इस तरीके से मैं एक रसगुल्ला लूँगी और उसमें एक होल कर लूँगी, और उसमें थोड़ा सा ये मटेरियल भर लूँगी, और इस तरीके से उसको बंद कर दूँगी। इसी तरीके से मैं सारे रसगुल्ले बना लेती हूँ। तो फ्रेंड, चाशनी देख लेते हैं। चाशनी हमारी पक चुकी है, थोड़ी सी गाढ़ी हमें चाशनी चाहिए, थोड़ी सी चिपचिपी बस होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें तार नहीं होना चाहिए, बस ऐसी चिपचिपी होनी चाहिए। चाशनी बन करके तैयार है, मैं इसको एक साइड रख देती हूँ और रसगुल्ले तलने की तैयारी करती हूँ।
गुलाब जामुन तलने की। यहाँ पर मैं रिफाइंड ले लेती हूँ। आप चाहे, अगर आपके पास देसी घी है तो आप देसी घी से भी बना सकते हैं। तेल को गर्म होने देते हैं, रिफाइंड को। रिफाइंड गर्म हो चुका है, ये देखिए मैंने एक गोली बनाकर इसमें डाली थी तो ये बहुत ही अच्छे से गर्म हो गया है। हमें बहुत ही ज़्यादा तेज गर्म नहीं करना है इसको, एकदम तेज रखना है, पर फिर उसको मीडियम कर देना है गैस को। तो अब हम इसमें अपने जो हमने गोलियां बनाई थी, रसगुल्ले बनाए थे, उनको डाल देते हैं और बहुत ही कम आंच पे हम इसे सेकेंगे। ज़्यादा छेड़ा छाड़ी हमको इनके साथ नहीं करनी है, बस इस तरीके से ही हमको इनको घुमाना है, नहीं तो ये फट भी सकते हैं। इसका कोना लग सकता है तो फट सकते हैं। बहुत कम आँच पर ही हम इनको सेकेंगे। और इस तरीके से आप भी बहुत अच्छे से बना सकते हैं घर पे मावा निकाल करके, तो बहुत ही अच्छा बनता है। और घर पे मावा कैसे निकालते हैं उसकी वीडियो भी मैंने लिंक में दी हुई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है, डाल दूँगी मैं। तो इस तरीके से देखो कम आँच में हम इनको तल लेते हैं। जितनी कम आंच में हम इनको बनाएंगे उतने ही अच्छे सॉफ्ट बनेंगे और अंदर तक सीख जाएंगे। बहुत ही केयरफुली हम इनको पलट देंगे ऐसे घुमा घुमा करके। तेल इनमें काफ़ी होना चाहिए, रिफाइंड ऊपर तक होना चाहिए ताकि ये अच्छे से सीख जाएं। सेकने में जल्दी ना करें, आराम से ही इनको सेकें। बिल्कुल परफेक्ट आपके रसगुल्ले बनेंगे अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो, परफेक्ट मेजरमेंट से। ये काफ़ी अच्छे से ब्राउन हो गए हैं, कुछ कुछ पीसीज रह गए हैं, मैं उनको भी कर लेती हूँ और इनको उतार लेती हूँ और दूसरे रसगुल्ले भी ऐसे ही तल लेती हूँ। उसमें मैंने पनीर नहीं डाला था, वो मैंने खोए से ही बनाई थी, वो भी बहुत अच्छे बनते हैं। पर पनीर से इसे जब हम पनीर मिक्स करके रसगुल्ले बनाते हैं तो हमारे रसगुल्ले बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। तो चलिए हम इनको निकाल लेते हैं। ये देखिए फूल कर भी बड़े बड़े हो गए हैं, बहुत ही अच्छे बन चुके हैं ये। और मैं इनको एक थाली में निकाल लेती हूँ। अच्छे से तेल निचोड़ करके निकालें। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार जल्दी से आप भी बनाइए घर पर रसगुल्ले और बचिए बाज़ार वाली मिठाई से। और बाज़ार में जो सिंथेटिक मिठाई आ रही है उसे खा के तो बहुत बीमार हो जाते हैं लोग, तो रिस्क नहीं लेना है, घर पे ही बनानी है। तो फ्रेंड्स, सारे रसगुल्ले बनकर के तैयार हैं, तो इस तरीके से हम बना सकते हैं घर पर ही। और मैं इसमें से 45 पीस बने हैं, आधा किलो हमारा मावा था। तो चाशनी को ठंडा होने पर मैं इसे चाशनी में डाल दूँगी, फिर आपको दिखाती हूँ। घंटे हो चुके हैं, अब रसगुल्ले हमारे बन करके तैयार हो गए हैं और रस इनके अंदर तक चला गया है, ये देखिए। अब मैं उन्हें एक दूसरे बाउल में निकाल लेती हूँ। तो रसगुल्ले बनकर तैयार हैं, इस तरीके से आप भी बना सकते हैं और बनाएं ज़रूर घर पे, बहुत ही अच्छे बनते हैं। और मैं आपको ये काट कर भी बता देती हूँ, बहुत ही सॉफ्ट रसगुल्ले बनते हैं अगर आप इस विधि से बनाएंगे। ये देखिए कितने सॉफ्ट रसगुल्ले बने हुए हैं। तो आप इसको बना करके ज़रूर देखें और मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।